नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हलचल और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ऑनलाइन फसली ऋण वितरण और सहकारी एटीएम का हुआ उद्घाटन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अज्ञात चोरों ने 65 वर्षीय महाजन पर किया हमला, सोने घर से लाखों के सामान चोरी होने का जताया अंदेशा। पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार, 5 देशी कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस किए बरामद। मुआवजे की राशि को लेकर किसानों ने महापंचायत कर भरी हुंकार, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के किसानों की सेवा करना हमारा फर्ज है, उनके हितों का ध्यान रखकर सरकार उन पर कोई एहसान नहीं कर रही है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखेगी। गहलोत ने गुरुवार को बिरला सभागार में सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसलों और ऋण वितरण और सहकारी एटीएम के उद्घाटन समारोह के दौरान कर्ज माफी के लाभार्थी किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया था। डीबी गुप्ता जी, निरंजन आर्य जी, अभय कुमार, चारों ओर से हम चाहते हैं कि विज्ञान का, तकनीक का लाभ इस नई शताब्दी में पूरे देशवासियों को मिले, इसका फायदा और जालौर जिले में भीनवाल सांचोर क्षेत्र में लंबे समय से अफीम की तस्करी जोरों पर है। वहीं विभाग ने भीनवाल क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 7 आरोपियों को 28 किलो 210 ग्राम दूध के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों से खरीद फरोख्त के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। तस्करी में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल नार्कोटिक्स टीम द्वारा आरोपियों से अलग अलग तरीके से विभिन्न स्तर पर पूछताछ जारी है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे के अनाज मंडी में आटा चक्की का काम करने वाले सुरेश महाजन अपनी दुकान के बाहर बैठा था। इसी दौरान दुकान के पीछे मकान में से उसे कोई शोर सुनाई दिया, जिसके बाद वह दुकान से घर गया तो अंदर 2 बदमाश उसके मकान में घुसे हुए मिले हैं। उसने एक बदमाश को पकड़कर पूछताछ शुरू की तो पीछे से आए उसके एक साथी ने उसके सर और हाथ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। इस दौरान ही बदमाश उसके अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए की कीमती सामान और आभूषण लेकर फरार हो गया है। पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस प्रकार की वारदात के बाद व्यापारियों में खासा रोष देखा जा रहा है। बाड़मेर जिले के शिवखंड उपखंड के भियांड से मोखाब जाने वाले सड़क मार्ग पर धूल भरी तेज आंधियों के चलते पिछले
तीन चार दिनों से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, जिसके चलते स्कूली बच्चों को विद्यालय और राहगीरों को भी आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क मार्ग भियांड और आसपास के गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। यह सड़क मार्ग पिछले चार दिन से अवरुद्ध है, जिसकी वजह से राहगीरों को 10 से 15 किलोमीटर का अधिक सफर तय करना पड़ रहा है। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप बकानी द्वारा मुक्ति धाम खेड़ा रोड पर 600 फीट जाली फ्रेसिंग करवाकर 50 छायादार वृक्ष लगवाए गए हैं। सौंदर्यकरण के लिए आसपास और रोड के दोनों तरफ बारिश होने पर मेहंदी लगाई जाएगी। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेंबर प्रकाश बाफना रानू भंडारी और बकानी के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में प्रकाश कुशवाहा ने पौधे लगाए और मुक्ति धाम की सफाई भी करवाई है। झालावाड़ जिले के बकानी पुलिस के द्वारा नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस की स्पेशल टीम गठित कर बकानी क्षेत्र के नसीराबाद के पास तीन संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई है, जिनके पास से 5 देशी कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिस पर बकानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज भान उर्फ सूरज, खुशवंत उर्फ भरत, जगन्नाथ उर्फ मोहन को गिरफ्तार कर MRMS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी सूरज भान कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल और बलवीर बानूड़ा के गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसके तार उत्तर प्रदेश के तस्करों से भी जुड़े हुए हैं और 12 के डेयरी संचालक पर फायरिंग का भी आरोप है। दौसा जिले के रामगढ़ पंचवारा के हनुमान मंदिर पर किसानों ने दिल्ली मुंबई NH हाईवे के निर्माण में आ रही किसानों की जमीनी की उचित दर नहीं मिलने से परेशान होकर किसानों ने रामगढ़ पंचवारा में किसान महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें हजारों की संख्या में नांगल, सिकराय, दौसा, लाल सूट सहित आसपास के किसानों ने महापंचायत में शामिल होकर हुंकार भरी है और किसानों ने कहा कि जमीनों का सरकार से उचित मुआवजा मरते दम तक लेकर रहेंगे। वहीं कन्हैया लाल मीणा ने बताया है कि हाईवे के दोनों ओर खंडित भूमि का 10% से अधिक मुआवजा दिया जाए और मुआवजा देते समय अनुबंधित पत्र में किसानों के हित में रखते हुए कब्जा सुपुर्दगी ली जाए, किसान की भूमि पर मौजूद फसलों का मुआवजा दिया जाए, भूमि आवंटन की भूमि के संबंध में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बाद ही भूमि का कब्जा दिलवाए जाने सहित अन्य मांगों पर किसान महापंचायत में किसान और किसान नेताओं ने रामगढ़ उपकरण अधिकारी श्वेता यादव को ज्ञापन सौंपा है। जी मैडम, जो किसानों ने ज्ञापन दिया है उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहती है? जो ग्रामवासियों ने हमें ज्ञापन दिया है NH 148 के एंड के लिए, तो उसके लिए ये कि हम उनका ज्ञापन की बात सुनी और उनकी मांग है कि हमें जो मुआवजा वह है बढ़ा करके दिया जाए, उसको हम ऊपर तक पहुंचाते हैं, CM सर के पास भी भेजेंगे और कलेक्टर के पास भी भेजेंगे, जिसमें जो भी नियमों के अनुसार जो भी हो पाएगा वही कर पाएंगे। अरनोद उपखंड क्षेत्र की बिरावली पंचायत के चाचा खेड़ी रोड पर रैदास मोहल्ले में दूषित पानी पीने से 150 से ज्यादा लोग उल्टी का शिकार हो गए हैं। 2 दिन से मोहल्ले के लोग पीड़ित हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। गुरुवार दोपहर पता चलने पर CMHO, SDM सहित अन्य अधिकारी गांव पहुंचे हैं और घटनास्थल की जानकारी लेने के साथ ही डोर टू डोर सर्वे करते हुए दवाइयां वितरित की है। बीमारी फैलने के पीछे प्रथम दृष्टया मोहल्ले में लगी पनघट योजना की ट्यूबवेल के पास फैली गंदगी को ही माना जा रहा है। सारथन थाना क्षेत्र के बिलखेड़ा गांगठी गांव में बुधवार रात को मोबाइल तोड़ने को लेकर 2 दोस्तों में कहासुनी हो गई। इस दौरान
विवाद भरने पर युवक अपने एक साथी युवक के पेट में जोरदार घूसा मारकर वहां से फरार हो गया। इसे वह बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर युवक के पिता दौड़ कर आए और बीच बचाव करने लगे, तो हमलावर ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ बेसुध युवक पर लात घूसे लगातार मारता रहा। मामला देखकर भीड़ इकट्ठा होने लग गई। यह देखकर हमलावर वहां से भाग खड़ा हुआ। सूचना मिलने पर सारथल पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को उपचार के लिए अकरेला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह एक अनियंत्रित कार ने सड़क के किनारे योग कर रहे 6 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए। थानाधिकारी रघुबीर सिंह ने बताया है कि कुम्हेर धनवाड़ा राजमार्ग पर एक अनियंत्रित कार ने सड़क के किनारे योग कर रहे 6 लोगों को कुचल दिया है, जिसे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बाद में घायलों की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान रघुबर बघेल, प्रेम सिंह बघेल, नीरोती लाल सैनी, मक्खन लाल खटीक, हरिशंकर तंबोली और रामेश्वर बघेल के रूप में की गई है। सेफ्टी खोह नागोरियान में एक हॉस्पिटल में काम करने वाली किशोरी की पहचान वहीं काम करने वाले आबिद से हो गई थी, और 7 जुलाई को आबिद अपने दोस्त हनीफ के साथ हॉस्पिटल आया और काम के बहाने किशोरी को कार में बैठाकर लुणियावास ले गया। वहां कार में दोनों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आबिद ने फोन कर दोस्त जावेद और फरीद को बुला लिया और किशोरी को उनकी गाड़ी में बैठा दिया और इन दोनों ने भी दुष्कर्म किया, फिर अस्पताल छोड़ दिया। पीड़िता की मां ने बुधवार को खोह नागोरियान थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। मॉब लिंचिंग के शिकार पहलू खान पर चार्जशीट में गौ तस्करी के आरोपी बनाए जाने की दोबारा जांच राजस्थान पुलिस करने जा रही है। कोर्ट ने वापस जांच करने की इजाजत दे दी है। आपको बताते जाएं कि राजस्थान पुलिस दोबारा जांच कर पता लगाएगी कि अलवर में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए पहलू खान को गौ तस्कर थे या नहीं। अदालत ने पुलिस को इस मामले की जांच करने की इजाजत दे दी है। अलवर की ACJM कोर्ट ने पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली है। आपको बताते जाएं कि 24 मई को पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी, जिसमें पहलू खान और उनके बेटों को गौ तस्करी का आरोपी बनाया गया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के करीब 50 महिला प्रोफेसर का फोन करके अश्लील बातें करने वाले साइको कॉलर का आखिरकार जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने हरियाणा के हिसार में दबिश देकर पता लगा लिया है। आरोपी कॉलेज के प्रोफेसर का बेटा है और उसकी उम्र करीब 16 साल है। आरोपी नेटवर्किंग और साइबर का एक्सपर्ट है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी ने एक महिला प्रोफेसर का पार्सल भेजा था, पार्सल में क्रीम थी। उस पार्सल की पुलिस ने जांच पड़ताल तो की और पाया कि पार्सल हिसार से बुक कराया गया है। इसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल करके आरोपी की पहचान कर ली है और आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम भी भेजी गई है। पुलिस टीम आरोपी को पकड़कर देर रात तक जयपुर ले आएगी।